Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. It's me Sadia and it's me Ali. I hope you all are doing great and we are back with another video reaction. So this time we are going to react on a tribute to Arijit Singh by Neha. ठीक है, नेहा कक्कड़ है ना. हमने अरिजीत सिंह की कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस पे रिएक्शन दिया था, उसके बाद इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि नेहा कक्कड़ ने जो ट्रिब्यूट दिया हुआ है अरिजीत सिंह को उस पर भी रिएक्शन करें. हम लोग कुछ बिजी थे, इस वजह से काफ़ी दिनों तक हम लोग कुछ वीडियोस या रिएक्शंस हम लोग नहीं बना सके, नहीं डाल सके. तो आज हमने सोचा हुआ था जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले हम इसी के ऊपर बनाएंगे. सो लेट्स सी, हम वीडियो को चेक करते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं. स्टे विद अस. अखियां मेरी पूछ रही हैं, दिल को मेरे चैन नहीं है. किथे लड़ाइयां वे तू, अखियां किथे लड़ाइयां ना. कैसे तुझको मैं बताऊं राहें, तेरी तक दी जाऊं. नींदा चुराइयां वे तू मेरी यां, नींदा चुराइयां वे. धड़कन एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से धड़कन ये कहती है. दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से ले. मुझको देना एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से. एवरीबॉडी धड़कन ये कहती है, दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से ले. आजा तुझको पुकारे तेरी परछाई आ रे.
रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजे किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजे है किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजे हो गई थी जो हमसे बाकी है, वो जो अधूरी सी राह बाकी है, वो जो लुकी सी राह बाकी है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। सराज बात दिल की कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहूं।
next song is written and composed by my brother Tony Kakkar. Tony, I love you. Come on everybody, I'm sure you love the song. आज की रात न जाना तू सावन आ रहा है, आपके अरनी हुके मिलने का मौसम आ रहा है। Come on everybody, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आ कुछ बोलना चाह रही थी बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि हमें ऐसे कमेंट्स आए हुए थे कि आपने बीच में नहीं बोलना है, आपने पूरा सुन लेना है, बीच में कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर जाते हो, सो वी थॉट कि हम पहले कंप्लीट सुन लेंगे उसके बाद हम बोलेंगे। तो पहली चीज़ जो स्टार्टअप हुआ था स्टेज पे है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत रॉयल के लोग आते जब नेहा की एंट्रेंस दिखाई है जो, और उसके बाद ट्रिब्यूट हो तो ऐसा इतने मज़ेदार सॉन्ग उनसे कोई सॉन्ग नहीं था, एक सॉन्ग था जो मैंने वीक में नहीं सुना हुआ था, मैंने तो आई थिंक सारे सुने हुए था, मैंने सारे ही सुने हुए थे सॉन्ग, और इतना ब्यूटीफुली नेहा ने सॉन्ग्स को स्लो सब कुछ मिक्स करके उसकी जो नेहा की खुद की जो बॉडी लैंग्वेज थी इवन साथ साथ वो, और जो नेहा के फेस पे हर टाइम एक ब्रॉड स्माइल रहती चाहे वो सिंग कर रही कुछ भी, उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस को चार चार और लग जाते हैं, इतनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस। ऐसा ही ट्रिब्यूट जो है अरिजीत डिजर्व करती, एग्जैक्टली ही डिजर्व दिस, और उन्होंने किया भी, और लिटरली नेहा भी फीमेल सिंगर्स में से हमारी फेवरेट में से है, इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा सूथिंग वॉइस है, और जितना उन्होंने सॉन्ग उनके सारे पिक किए, एक से बढ़कर एक सॉन्ग था, टॉप लिस्ट सॉन्ग उठाए हुए थे उन्होंने अरिजीत सिंह के, सारे पुराने भी थे कुछ न्यू थे, और इस तरह के बहुत मज़े का ट्रिब्यूट ले रहे, एवरी वन जितने भी वहाँ पर बैठे हुए लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। नेहा खुद उसने बहुत इन्जॉयबल परफॉर्मेंस, बहुत लाइवली परफॉर्मेंस दी है, और जो नेहा के साथ वो दो और आए हुए थे लड़के वहाँ पर सिंगर्स थे, तो बहुत मज़े का वो मैच बन गया था ना, जो बीच में मतलब जो बॉयज़ वाली लाइन्स थी वो बीच में कर रहे थे, और थोड़ा सा गिटार वाला टच आ गया था, वो सब कुछ उसकी वजह से बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मज़े ही लगी मुझे तो, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट्स थे वो, जो नेहा ने अपने भाई को टोनी कक्कर को डिजर्व किए, डेडिकेट किए, तो वो बहुत अच्छे मोमेंट्स लग रहे थे बीच में, कि वो भाई उनका इतना खुश हो रहा था वहाँ पर। सॉन्ग्स की चॉइस एक नंबर थी, बहुत अच्छे, फिर उसके बाद नेहा ने उनको बहुत अच्छा गाया, कहीं कहीं जगह पर सुर नेहा ने बहुत ही अच्छे लिए, हमें इतना नॉलेज नहीं है सिंगिंग वगैरह की इन चीज़ों की कि हम जज करें बैठ के, लेकिन जितना हमें खुद को फील हुआ, एक होता है आपको फील भी हो रही होती है कि वॉइस इतनी अच्छी है, यहाँ पर ज़रा यू नो सुर अच्छे लिए जा रहे हैं, यहाँ थोड़े ख़राब,
तो कुछ कुछ पॉइंट पे तो नेहा ने बहुत ही अच्छे सुर लिए थे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस नेहा की बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, परफॉर्मेंस ओवरऑल अमेजिंग, जिसमें वॉइस भी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल, वो एक ब्रॉड स्माइल उनके फेस पे, सॉन्ग की सिलेक्शन ए टू जी सब कुछ बहुत परफेक्ट था। तो हमें तो बहुत पसंद आई। तो दिस वाज द वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों ने भी हमारे साथ हमारे रिएक्शन के साथ इसको एंजॉय किया, वीडियो देखने को मिल रही होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब करें, सॉरी फॉलो करना ना भूलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। थैंक यू।